भारत के हैं कश्मीर, कश्मीर ना देंगे, हाथों में किसी गैर के तकदीर ना देंगे, कश्मीर है भारत का, कश्मीर ना देंगे, रे कश्मीर इस हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति सिवान जिले के हर प्रखंड में लोगों का आक्रोश और दर्द देखने को मिला। सबने आतंकियों के इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न संगठनों के लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एवं आतंकवादी का पुतला तथा पाकिस्तान का झंडा फूंक आक्रोश जताया। वहीं देर शाम शहर के जेपी चौक पर हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हो गए। सभी के हाथों में कैंडल था और जुबान पर पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय जैसे नारे। यूं कहें तो जवानों की शहादत का दर्द यहां मौजूद लोगों के चेहरों पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उम्मीद है सिवान की जनता का ये आक्रोश सीमा पर बैठे उन आतंकियों के आकाओं को भी थर्रा देगा। वहां मौजूद लोग यहां तक कह रहे थे कि न मुझे मुफ्त में आटा चाहिए, न ही मुफ्त में डाटा, मुझे तो बस पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार कब आतंकियों के पनागा पाकिस्तान को करारा जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवान न्यूज। देश शोक में भी है और क्रोध में भी है कि प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे और जब तक शरीर में गर्म लहू की एक भी बूंद बाकी है भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ना मुझे मुफ्त में पानी चाहिए, ना मुझे मुफ्त में खाना चाहिए, मुझे मुफ्त में ना डाटा चाहिए, मुझे मुफ्त में ना आटा चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए, पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए। और आप यहाँ जेपी चौक पे देशवासियों के जज्बा को देख सकते हैं और पुलवामा में शहीद हुए हम अपने सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारे देशवासी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम अपने देश के लिए देशवासियों से एक बात बोलना चाहता हूँ। हर एक देशवासी के दिल में एक बात आनी चाहिए, एक विचार आनी चाहिए कि मैं मर जाऊँ तो सिर्फ मेरी इतनी एक पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म स्थान लिख देना। अगर कोई पूछे स्वर्ग के बारे में तो एक छोटे से कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान लिख देना, क्योंकि ना क्योंकि मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पर राम लिख देना तो कहीं पर रहमान लिख देना। ना दौलत पर गर्व करते हैं, ना शोहरत पर गर्व करते हैं, भगवान ने किया पैदा इसी हिंदुस्तान में, इसलिए अपनी किस्मत पर गर्व करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई मिलजुल करके अपने भारतीय सेना के साथ एकजुट होकर के खड़े हैं और हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग भी अस्त्र शस्त्र अपने भारतीय सेना के साथ पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को मारने के लिए उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भारत के हैं कश्मीर, कश्मीर ना देंगे, हाथों में किसी गैर के तकदीर ना देंगे, कश्मीर है भारत का, कश्मीर ना देंगे, रे कश्मीर इस हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा। तुम जितना भी पाकिस्तानी है तुम लोग कान खोल कर सुन लो, हम लोग यहाँ पर फूंक देंगे तुम लोग, तू दिया जाएगा, तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जितने हमारे जवान जितना भी है जगते हैं तब हम लोग सोते हैं, जितना लोग है उन लोगों से कान लोग खोल कर सुन लो, तुम लोग हम तुम लोग को छोड़ने वाले नहीं है। पूरा जितना लोग है देख ले कितना आक्रोश है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं, हम लोग यहाँ से फूंक देंगे तो वहाँ पर भूखा मार जाएगा। तुम लोग अपने हरकत से तुम लोग अपने बाज आ जाओ, नहीं तो हम लोग अंधेरे से काम चलने वाला नहीं। इतना धमर देश में मिजाइल आ रहा है, किस बात का रहा है। मोदी से हमारा यही है, सरकार से अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके मिजाइल सब ढक दिया जाए। कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलने वाला नहीं, जो आ रहा है उसको मार दे, जो जिसको जो सब हम लोग पूरा दिल जान से सपोर्ट कर रहे हैं, जितने लोग है 100% लोग सपोर्ट कर रहा है, उड़ा दो, इलेक्शन रोक दो, अब पाकिस्तान को उड़ा दो। ये पहले इलेक्शन नहीं, पहले इन लोग का जवाब देना चाहिए, ईंट से पत्थर से जवाब देना चाहिए, तब ये देश का हम लोग खुश हो गए, हमारे हम लोग का जनता खुश हो गए, हम लोग मिल भैया हम लोग
राइफल बेच के काटा खाता जी हमारे जवान के छूले पे ओकर बाता काटा जे जितना लोग बावे सब बाता कम से काट दम सर हम सब अभी भी सरकार हम सब एकदम रात बम सब सुतले नहीं की सर अभी ले हम सब बेचैन भाई सर आज सरकार हमरे के छोड़ दे तो हम सब यहां से सब आदमी चल जाम सर हम सब पूरा दिल में हम सब यति ठान ले भाई सर सरकार दो दिन हो गई अभी कोई एक्शन नहीं केले हम सब एक्शन लेवे के चाहिए एक्शन जितना जल्दी हो सके एक्शन ले सरकार से देश के जितना भी रक्षा मंत्री जितना भी लोग पावे रोज हाथ धोकर करते हैं जितना जल्दी शांति चाहते रहते देश के हित में काम करा और जल्द से जल्द पाकिस्तान के पावे निपटाओ हमारा की धरती पर वीर शहीदों के जो शहादत हुई है उसके उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारे जवान केवल बॉर्डर पे ही नहीं लड़ रहे हैं हमारे जवान इस भारतवर्ष के कोने कोने में बसता है और ये हम बताना चाहते हैं उन आतंकवादियों को कि जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है इसलिए जवानी को ललकारने की कोशिश ना करें नहीं तो हम भी जवान जो है हम भी भारत के जो भी किसान है बॉर्डर पर लड़ने के लिए हर संभव तैयार है इन्हीं शब्दों के साथ आज आप देख रहे हैं कि आज हम उन शहीदों के प्रति एक मोर्चा निकाले हुए हैं हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच घटना हो रही है जो पीठ पीछे वार हो रही है आप उस चीज पे गौर करें और हमें उस जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए ये अनुमति दें और हम ये बताना चाहते हैं कि उन सैनिकों को फिर छोड़े उनको आजादी दे ताकि जम का मुकाबला कर सके आज हम अपने गांव के कुछ क्षेत्रीय जैसे सलाहपुर गांव से कैथी गांव से सरैया गांव से अनेकों गांव से मिलकर हम एकजुट हुए हैं आज हमारे अंदर की खून जो है बौखला गई है हम ये कहना चाहते हैं हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को कहना चाहते हैं कि आप एकजुट होइए और हम इस चीज को भूल नहीं सकते हैं ये हमारे साथ एक बार नहीं अनेक बार हो रहा है और दुश्मन जो है बार बार इस चीज का वार कर रहे हैं नमस्कार हम लोग यही उम्मीद रखते हैं अपने देश के हुक्मरानों से और देश के ऊपर बैठे आला अधिकारियों से कि हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक उनकी शहादत व्यर्थ न जाए और देश के जितने भी शहीद हुए हैं सैनिक हमारे उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हर एक भारतीय हर एक नागरिक उनके इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग साथ हैं और कुछ भी सहायता भी दिया जाएगा और जिस तरह से हो सभी लोग अपने अपने स्तर से भारतीय सेना के लिए जो भी बन पड़ता है उस चीज को हम लोग अपने स्तर से सेवा देंगे पैसा हो रुपया हो जैसे भी हो शरीर से धन से तन से मन से सभी लोग आगे आकर इसमें सहयोग करें और एक बार फिर सभी शहीद सैनिकों के लिए एक बार दिल में सभी लोग सम्मान दें हमारे ग्राम मुइयां के माननीय मुखिया श्री कलिंदर सिंह जी से अनुरोध है कि आप इस पुलवामा में हुए अटैक के बारे में कुछ बताएं या युवाओं को या सरकार को कुछ संदेश देना चाहते हो तो कृपया करके दें मैं ठपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बोल रहा हूं जो पुलवामा में जो हुआ है देश के नौजवानों के लिए सेना के लिए बहुत बड़ा आघात हुआ है इसके लिए सारा देश रो रहा है सारा दुखी में है और हर तरह से ऊपर अधिकारी या नेतागण इसके माने इसके लिए अपना लड़ाई का युद्ध बना रहे हैं व्यर्थ नहीं जाने देंगे बस इतना ही नौजवानों से थी है कि भाई इसके लिए एकदम तत्पर्य रहे एकदम निश्चित रहे कि इसका यथि पूर्ति किया जाएगा बस इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम करता आप पुलवामा में हुए शहीदों के परिवार के बारे में या सरकार को या अपने देश के युवाओं या जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं मैं MMPS के प्रिंसिपल होने के नाते और इस देश के नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के आला अधिकारियों से और यहाँ के हुक्मरानों से यही आशा और अपेक्षा करता हूँ कि वो हमारे इस
वीर सपूतों का बलिदानों को व्यर्थ न जाने दे, इसके लिए वो कड़ा से कड़ा कदम उठाए। देश उनके साथ है, देश के हर युवा हर जवान उनके साथ है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद हिंदुस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान। मुर्दाबाद पाकिस्तान। मुर्दाबाद पाकिस्तान। मुर्दाबाद हाफिज सईद। मुर्दाबाद हाफिज सईद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाफिज सईद। मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख सकते हैं युवाओं में किस तरह का रोष है और इस रोष को थमने नहीं देना है और इस रोष को रुकने नहीं देना है। हर युवाओं में ये जोश ये रोष ये रहना चाहिए होना चाहिए। यही जोश हम लोग को आगे तक लेके जाएगा। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार। आर पार। अब की बार। आर पार।